साथियों, शुचिता और पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सरकार में, ये हमारे लिए सबसे बड़े मोरल बूस्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते तरह तरह की प्रैक्टिसेस चलती थी। परिणाम यह हुआ कि बैंकों के एनपीएस बढ़ते गए, एनपीएस को कारपेट के नीचे कवर करने का जो कार्य पहले के समय किया गया वो शायद मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच, जो भी स्थिति थी, देश के सामने खुल करके रख दी। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। इसी तरह आपकी तरफ से फिस्कल डेफिसिट को लेकर, सरकारी खर्चों को लेकर लगातार आगाह किया जाता था। हमने आपके कंसर्न्स को सकारात्मक तरीके से लिया। अनयूज्ड और अंडर यूज्ड एलिमेंट्स को मोनिटाइज करने के साहसिक निर्णय लिए। आज इन फैसलों के परिणाम फिर से गति पकड़ रही अर्थव्यवस्था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका स्वागत सम्मान हो रहा है। सीएजी में जब आप इनका व्यापक आकलन करेंगे तो मुझे लगता है इन फैसलों के कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कभी कभी विशेषज्ञों से भी छूट जाते हैं।